जितने मुस्लिम बस्ती है बीजेपी के गायक थे वहाँ झारखंड भी नहीं आए और एक है बोलेगर भी ठीक है सही आदमी है वो भी आते हैं पर कम आते हैं एक मुकाबले वंटी सिंह के थोड़ा ज्यादा आते हैं। 10 साल तो देश बर्बाद कर दिए अपन ऐसे लोगों का नाम याद रखते क्या करेंगे। अरे घर के हो क्या घर के लोग समस्या है समझाए तो समझे नहीं समझाए तो ना समझे। कांग्रेस और भाजपा में है जहाँ तक मुझे अंदाज है। नमस्कार या गोविंदपुरा परिसरात लोकांचा कॉल केलेला आहे की आपण बीजेपी नेच्या क्या बोलती पब्लिक या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जातो केलेला दाखवत आहे नागपूरमधून तर इथे कळत आहे काँग्रेस बीजेपी आणि अपक्ष उमेदवार शेखर यांच्या ज्ञान बड़ा हुआ है और बीजेपी की एक रमेश पुणेकर का भी नाम चल रहा है क्या बताऊँ उसका देखेगा जाने हैं तो उसके अपने ऊपर में आके जो लोग सकली नहीं दिखाना पड़ेगा यहाँ किसी का कुछ सकल ही नहीं है यहाँ सिर्फ आए तो सिर्फ बंटी भाई की सकल है बाकी किसी की सकल ही नहीं है मौजूद बाकी तो उम्मीदवार नहीं आए कोई पुणेकर वगैरह जो भी है साहब वो आए और सिर्फ बंटे वो यहाँ से लेके वहाँ तक के तो हमको सकल उनकी थी बाकी किसी की नहीं थी और आगे भी दिखेंगे उनकी सकल इंशाल्लाह आगे दिखेंगे इंसान ने बहुत सकल खरीद रहे और आगे भी करेंगे। तारीख 20 नवंबर दिन है बुधवार हाजी मोहम्मद कलाम ने हमारे उम्मीदवार बंटी चढ़ के बाकी नहीं चलेंगे बाकी कोई नहीं चलेंगे। अच्छा आप किसको मतदान करोगे किन मुद्दों के साथ आप वोट देने वाले हो क्या सोच कर क्या सोच कर परिवर्तन चाहिए महंगाई हो गया तो क्या लगता है टक्कर किसमें है कांग्रेस और बीजेपी में या बाकी में चलेंगे बीजेपी और पंजे में पुणे पर नहीं चलेंगे नहीं क्या लगता है आपको नहीं चलेंगे कौन चलेगा तू आप एक युवा हो किस सोच के साथ मतदान करोगे क्या लगता है जो विधायक आए
बेरोजगार जो पढ़े लिखे बेरोजगार है जो उनके लिए वो ई रिक्शा चलाते हैं ऑटो चलाते हैं उनके लिए सोचा ये कि मुस्लिम बस्ती है जिसके बीजेपी के विधायक थे वहाँ झांकने भी नहीं आए थे विकास कुमार जिसको पुलिस के नाम बता दी वो यहाँ झांकने भी नहीं आए थे मतलब हम लोग मैं तो आज तक नहीं देखा इसलिए देखा वो तो और रही बात बढ़ती सीटें की जो अभी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो जाने के मोमिनपुर में आते रहते हैं लोगों से मिलते रहते हैं लोगों को जाके सलाम दुआ जो बोलते हैं वो करते रहते हैं कभी भी यानी कि रैली के दरमियान भी वो मोमिनपुरा सब अतराफ के क्षेत्र में घूमते रहते हैं बाकी लोग नहीं आए नहीं अभी तो मैंने बीजेपी का तो कोई देखा नहीं अच्छा और अपक्ष उम्मीदवार उनका समाज खड़ा है तो वो बीजेपी और कांग्रेस के विरोध में खड़े वो भी साइड यानी उनकी भी टक्कर है यहाँ उनका समाज उनके साथ खड़े रहा तो वो भी अच्छी टक्कर दे सर उनका समाज और आपका समाज है दोनों ऐसी कुछ विवाद हुआ नहीं है भाईचारे का ही जाने के ऐसा कुछ है नहीं तो आपका समर्थन उनको नहीं रहे नहीं हमारा समर्थन जाने के अभी तो पार्टी देखी जाती है जो ऊपर लेवल पे जो पार्टी देखती है वो देखी जाती है अभी जो टक्कर जो है बीजेपी और कांग्रेस पूरे यानी कि महाराष्ट्र में जो है बीजेपी और कांग्रेस तो वो दोनों को ये है कि कांग्रेस आने को नया से दूसरा है कि बंटी जो है एक अच्छा आदमी है वो सबके जो दौड़ता है गवर्नमेंट दौड़ा है और जो बीमारी है उसको दौड़ा है उसके लिए काम करता है वो आने को और उसके अलावा सही दिन में आता है बीजेपी के जो कार्यकर्ता वो भी आए हैं आए वो भी आते हैं वो कम आते हैं और बंटी सिंह के भी वो ज़्यादा ही आता है और एक है गोलेकर भी ठीक है गोलेकर सही आदमी है वो भी आते पर कम आते हैं एक मुकाबले में बंटी सिड़के थोड़ा ज़्यादा आते हैं क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी तो आने वाले यहाँ का नाम अच्छा होने को ना और यहाँ पे जो है ग्राफिक ग्राफिक थोड़ा साफ होने को ना और उसके अलावा जो हमारे जो बेरोजगार है लोगों को रोजी रोजी मिलने को ना उसके अलावा कुछ नहीं महागाई बेरोजगारी हा खूप मोठा मुद्दा आहे आणि येणारे जे ही आमदार असेल त्यांच्याकडून एक्सपेक्टेशन आहे की महागाई कमी झाली पाहिजे रोजगार आले पाहिजे परिसरात आणि याच मुद्द्याला घेऊन कुठेतरी संतर जी आहे मतदान करणार आहे निवडणुकीत हे घेऊन जे मुद्दे आहेत ते फार गाजणार आहे आतापर्यंत काय केलं काय झालं या सगळ्या गोष्टीचा विचार देखील केला जाणार आहे आपण चालता चालता लोकांना बोलता करणार आहोत जाणून घेणार आहोत की या मध्य नागपूर परिसरात कोण कोणाचा आहे अपक्ष उमेदवार रमेश पुणेकर आहे तर भाजपचे प्रवीण दटके आहे आणि काँग्रेसचे जे आहे ते बंटी शेडके आहे इकडे आपल्याला जागा दिसतोय क्या कहोगे क्या कहोगे बघू आम्ही अच्छा चुनावी माहोल क्या आहे कोण आएगा ऐसा लग रहा कोई आइडिया आपको क्या लगता है बाकी कोई नहीं चलेगा मुश्किल है क्या 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 पतंग उठी गड़बड़ अच्छा किसका माहौल है भाजप का माहौल चल रहा है इन मुद्दों के साथ आप चुनाव में वोट करोगे मतलब अपन बोलना रहो जानून घेना रहा क्या लग रहा क्या माहौल है रमेश पुणेकर अच्छा लेकिन लोगों का कहना है कि रमेश पुणेकर आए आया है आए हैं अच्छा समुदाय को मोमिनपुरा में भी यही माहौल लग रहा है पुणे का हाँ पुणे का माहौल बगैर मिलता है क्या लग रहा है आपको कितना माहौल पंटी शेड़के बाकी नहीं चलेंगे पंटी शेड़के अच्छा बीजेपी और रमेश पुणेकर नहीं चलेंगे क्यों बात अच्छा यहाँ पे आए
बाकी लोक त्यांचे नाही असं म्हणणं होतं त्यांचं. आपण बोलणार आहोत, चालणार आहोत, बोलता बोलता जाणून घेणार आहोत की कॉल कुणाकडे आहे लोकांचा. थोडस इकडे मार्केट एरिया असल्यामुळे ट्रॅफिक बघायला मिळतो आहे. क्या लग रहा है, किसका माहोल है? बंटी शर्के. बाकी नहीं चलेंगे? हाँ. अच्छा, आप भी बंटी शर्के को वोट दे? अच्छा, क्या मुद्दे है आपको, आपकी क्या सोच है? इकडे शॉपकीपर लोक आहेत काही, त्यांच्याकडे जो आहे त्यांच्याकडून लेकिन बाकी लोग तो बोल रहे हैं कांग्रेस ही चलेगा. मध्य नागपुर में किसकी टक्कर है? कांग्रेस और बीजेपी. रमेश तुम्हें तो भी कल का टक्कर है क्या? बीजेपी का. क्या क्या हुआ है काम पिछले 15 साल से जो मोमिनपुरा में क्या काम होना चाहिए ऐसा लगता है? अभी क्या होना चाहिए? रोड बड़ा होगा तो आपकी दुकान चले जाएगी? नहीं, रोड में जाएंगे ना? थोड़ी बहुत सी जाएगी ना, कुर्बानी देना पड़ेगा. जब इसको मसला बने ना, अपनी कुर्बानी अपन देंगे. मसला बने मसला बने आपकी बीजेपी जून जाएगी. क्या बताओगे, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल अभी चरम पर है. आज अभी जो भी 5-6 दिन बचे हुए हैं, अभी सारे लीडर लोग भारतीय जनता पार्टी की नितिन गडकरी जी कल आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आ सके MLA कैंडिडेट के पास में. आज की तलाशी के कारण सर यहाँ पर पब्लिक में बताया गया कि वो नहीं आ रहे, थोड़ी से लेट हो गए. यहाँ के मुकाबला त्रिकोण होने वाला है. निर्दलीय उम्मीदवार जो है होलिकर जी, उनको भी काफ़ी जन समर्थन मिल रहा है. बुनकर एरिया है, बुनकरों की वजह से यहाँ पे यशवंत बाजीराव जनता दल के टाइम से छोर से चुनता लाए थे. उसके बाद ये 3 बार विकास कुमारी जी यहाँ पर हलवा समाज के होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर. उसके पहले के नक्शे में बंटी सिंह के 4,000 उसको मैं MIM के कैंडिडेट खड़े होने की वजह से उनको क्या फिर से इतिहास देखने मिलेगा जो था मुस्लिम समाज और हलवा समाज ने एक अपक्ष उम्मीदवार को दिया था हलवा समाज के, क्या इस बार भी वही होगा? चांसेस तो ज़्यादा है क्योंकि हलवा समाज के लोगों ने अपना का कैंडिडेट खड़ा किया है. अगर उनको मुस्लिम बिरादरी से, अंसारी बिरादरी से जो बुनकर लोग हैं इनसे का समर्थन मिल जाता है तो उनकी सीट क्लियर हो सकती है. भैया मीडियन लोग मुस्लिम भाई और हल्का समाज को लेकर काफी सालों से इन्हें भाईचारा देखने को मिलता है. एक समय से बुनकरी के दौर से जो पावर और जो हाथ कारखाने हैंडलूम हुआ करते थे उस समय से ये साथ में ही रहा करते थे. इधर के लोग उधर में अपना धागा पाई के चक्कर में काम के गांधी बाग का जो सूट मार्केट है. क्या इलेक्शन में ये भाईचारा दिखेगा? रमेश पुणेकर आ जाएंगे? ये तो पब्लिक चुन के आना नहीं आना ये तो है, लेकिन भाईचारा जो है वो आपको इस एरिया के अंदर में दिखेगा कि रमेश पवनेकर का जो यहाँ से ताल्लुकात है लोगों से आज से काफ़ी समय से है. इलेक्शन तो अभी उनको टिकट उन्होंने आरोप किया पार्टी ने नहीं दिया, लेकिन उनका जो ताल्लुकात है यहाँ पे काफ़ी भरोबा है. यानी मुशायरे के अंदर हो, कव्वाली के अंदर में हो, संदल हो, कोई भी चीज़ के अंदर में रमेश पवनेकर आपको यहाँ नजर आएंगे. तर नक्कीच मुस्लिम बांधव आणि हलवा समाजामध्ये कुठे ना कुठे
भाईचाराचे रिलेशन आहे नेहमीच. एक 1990 मध्ये जर बघायला झालं बघायचं झालं बोलायचं झालं तर एक इतिहास घडला होता. मुस्लिम समाज आणि हलबा समाजाने आपला एक उमेदवार निवडून आणला होता. एक तोच इतिहास पुन्हा होऊ शकतो, पुन्हा त्याची पुनरावृत्ती होऊ शकते असं कुठेतरी लोकांचं मत आहे. आणि मुस्लिम समाज आणि हलबा समाज जो आहे तो बुनकर आहे. काका क्या लग रहा है आपको, क्या है चुनाव का माहौल? पंजा. अच्छा आपको क्या लग रहा है? पंजा. पंजा ही क्यों, बाकी क्यों नहीं? कांग्रेस तो आना चाहिए. कांग्रेस आना चाहिए, कांग्रेस आना चाहिए ऐसा कहना है. तर आपण होतो की बुनकर बुनकर व्यवसाय जो आहे दोघांचाही होता, मात्र आता तो कुठेतरी संपुष्टात आलेला आहे. आणि तेव्हापासूनच जे आहे मुस्लिम बांधव आणि हलबा बांधवांमध्ये कुठेतरी एक भाईचाराचं रिलेशन होतं. त्यामध्ये काका कशा करताय धंदा? ठीक आहे, कसा माहोल आहे चुनाव का? ठीक आहे. अच्छा क्या लग रहा है, कोण आएगा? कोई भी आ सकता है. चान्सेस किसके है? अच्छा बीजेपी काँग्रेस कोणी येऊ शकतं. आणि टक्कर ही दोघांमध्ये अच्छा काँग्रेस ही चालेगी मोमिनपुरा में. अच्छा रमेश पुणेकर और प्रवीण दटके. प्रवीण दटके है कोई यहाँ पर? पहचानते भी नहीं. बीजेपी के उम्मीदवार हमको नहीं मालूम. रमेश पुणेकर नहीं, उनका भी नहीं मालूम. अच्छा हम सिर्फ कांग्रेस को. अच्छा इसने इतने सालों तक अच्छा काम किया. हाँ. ये 10 साल तो देश बर्बाद कर दिए. अच्छा. अपन ऐसे लोगों का नाम याद रख के क्या करेंगे बताओ? ऐसे लोगों की पार्टी का नाम रख के अपने आप को तबाह करना है. अच्छा ये अनभक्त लोग है. क्या बोलते हैं फिल्म का माहौल है चुनाव का? यूपी से मध्य नागपुरातील मोमेंट आहे. हा एक मुस्लिम मोमेंट आहे आणि इथे जे आहे कुठेतरी काँग्रेसला प्रायोरिटी दिली जाते. राजनीती. अच्छा क्या बताओगे पेपर पढ़ रहे हो, कैसा माहौल दिख रहा? हमारे को तो ये पंजे का माहौल दिख रहा है. अच्छा वो भी क्या है क्या है पेगा? अच्छा जो आएगा ठीक है क्या है? आपको क्या लगता कौन आना चाहिए? क्या बता रहे हो, फिर कौन आना चाहिए? हमारे को तो पंजे आना चाहिए. क्या लगता है आपको कांग्रेस इधर माहौल कांग्रेस का ही है क्या? बाकी दोनों ही चलेंगे उन्हें तो और बाकी नहीं चलेंगे. बाकी कोणी चालणार नाही, काँग्रेस चालतोय फक्त इकडे असं यांचं मन आहे. तो जयकारा में किसका माहौल है? पंजा चल रहा है. अच्छा उधर भी पंजा, उधर भी पंजा चल रहा है. जयकारा मंदिर पाटिल यांचा एरिया असं आहे आणि तिकडे पण पंजा चालतो असं म्हणतायत. आपण लोक दिसतायत प्रवीण. सॉरी पुणेकर नहीं चलेगे? रमेश पुणेकर नहीं नहीं चल पाएंगे. नहीं चल पाएंगे. अच्छा दोनों में फाइट होंगी, जम कर है क्या? जम के फाइट. अच्छा आपको क्या लग रहा किसके किसके टक्कर है, क्या माहौल है? बस एक ही टक्कर लगता है और एक नागरिक को 2 लाख रुपए महीने का रोजगार दिया जाए. अच्छा देश में 135 करोड़ की जनसंख्या, अपना देश का प्रधानमंत्री बोलता है. हाँ. और अपने कैलकुलेशन के हिसाब से 500 करोड़ पकड़ के चलो. हाँ.
हिंदी के अंदर में, और एक नागरिक को 2 लाख रुपए रोजगार चाहिए। ये गरीब लोगों से वोट लेते हैं और गरीबों को मारा जाता है ये अपने हिंदुस्तान में, वो चाहे नागरिक को भी हो। तो क्या लगता है मोमिनपुरा में कौन है? मोमिनपुरा है यह पूरा देश विनर है। अच्छा। और एक नागरिक को 2 लाख रुपए का रोजगार चाहिए। तो चाय वाला हो गया। इसी मुद्दे को लेकर मतदान करने वाले वोटिंग कर रहे हैं। मैं जो मुद्दा आपको क्या बताया कि और एक नागरिक को 2 लाख रुपए का रोजगार चाहिए। अच्छा। वो चाहे कोई भी हो। अच्छा। चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी जात का हो। लड़के भाई से कुछ नहीं हुआ। अरे वो क्या है, वो गरीब लोगों को मारा जा रहा है। अच्छा। 1000-2000 रुपए लूट डर रहे गरीब लोगों के। हाँ। तो मतलब का है वो महिला लोगों का दिमाग नहीं है, जिसके गाने दिमाग वो महिला लोग थोड़ी आएगी वहाँ। अच्छा। नहीं ये नहीं, तो आपके घर से किसी ने लाभ नहीं? अरे घर के हो क्या, घर के लोग समस्या है, समझाए तो समझे। अच्छा। नहीं समझाए तो ना समझे। हाँ। काम मांगो लड़की भाई की योजना भी काम चाहिए। मेरा कहने का मतलब है हर एक नागरिक को 2 लाख रुपए महीने का रोजगार चाहिए। अच्छा। तो चाहे वो अभी अंकल है, ये अंकल की उम्र हो गई है 70-80 साल, ये अभी काम करने के लायक नहीं है। अभी इनको चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 रुपए महीना। कौन सी सरकार देंगे गरीब लोग 50,000 रुपए महीना? तो इनका एक कार्ड बनाइए, इनको अगर दवा खाने में लेके गए तो डॉक्टर भी 2000 का बिल देता है। इनके मैंने 2000 रुपए नहीं है दवा लेने के लिए, तो कैसे लाएंगे? इनकी बातों से आप सहमत हो? कैसे लाएंगे? ओ मैडम क्या लगता है, क्या माहौल है यार? किसका माहौल है? बीजेपी की सब नहीं है। इंटर्नशिप लागू होना चाहिए, जैसे स्कॉलरशिप लागू है ऐसा इंटर्नशिप लागू होना चाहिए। 2000 5000 किसी को मिलता, किसी को नहीं मिलता। डॉक्टर जो है वो अपना बिल बना लेता है जिसकी बीमारी लंबा करके, डॉक्टर गवर्नमेंट को पैसे ले लिया है अपने बीमार को इससे पहले। फुल जमा टोटल ये है कि इंटर्नशिप लागू होना चाहिए। क्या वोटर होते हैं तो अंकल का कहना था कि ओनरशिप जैसे कि स्कॉलरशिप लागू है वैसे ओनरशिप लागू होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं समस्या सॉल्व होंगी। वैसे अंकल का कहना था कि कॉल कॉल सुना पड़े अच्छा पार्टी चल रहा है। अच्छा। हमारे यहाँ पार्टी करीब करीब यानी प्रवीण जटके सब भाजपा से है और मंत्री सिंगले बाबा साहब कांग्रेस से है, और दोनों के काम हमारे यहाँ बैठे हैं। इसके बारे में आपसे हम पूछना चाहते हैं कि कौन बहुमत लेंगे, लेकिन यहाँ तक है कि इसके पहले गडकरी साहब जो थे हमारे यहाँ उनका काफ़ी अच्छा वर्क है, अच्छे वोटों से जीत गया है, करीब हैट्रिक मारे उन्होंने। इससे विचारधारा ये लगती है कि गट के साथ तो ये पार्टी में मुस्लिम लाइब्रेरी है, ये भी काफ़ी इससे काम और रुपा था। अच्छा। उनके प्रयास से गडकरी साहब के प्रयास से और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब के प्रयास से अभी इसका वर्क चालू है। आप अभी जाओगे अभी देखते हैं, अभी आप वर्क देख सकते हो। इस माहौल से तो लगता है कि टक्कर तो कांग्रेस और भाजपा में है जहाँ तक मुझे अंदाज है। तर आपण बघितलं मोमिनपुरा एरिया मध्ये होतो आपण, हा मध्य नागपुरातील एरिया आहे आणि येथील जनतेमध्ये कुठेतरी 50-50 बघायला मिळत आहे। कोल हा दोन्हीकडे आहे, भाजप आणि काँग्रेस, कुठे मध्येच प्रवीण रमेश पुणेकर यांचं देखील नाव चालत आहे। या तिघांमध्ये फाईट होऊ शकते, मात्र विजयी कोण होणार हे तर निवडणुकीचा निकाल आल्यानंतरच कळेल। तर बघत राहा विकेबी न्यूज। नमस्कार।